देखो हम एक्सरसाइज 11.3 के एग्जांपल्स कर रहे थे। हमने एग्जांपल नंबर 19 तक कर लिए हैं, आज एग्जांपल नंबर 20 है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल नंबर 20 भी अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। अब दो प्लेन से पास होने वाले एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए हमें। ठीक है, तो बताओ इक्वेशन ऑफ प्लेन आती है कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन आती है, बताओ। अब देखो हमने वहाँ पे ये दो चीज़ सीखी थी कि हम इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू प्लेन्स हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि लैम्डा की ना वैल्यू फाइंड करने के लिए वहाँ पे एक कंडीशन दे रखी होगी कि दोनों जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, जो उनके जो इंटरसेक्शन प्लेन है ना वो एक पॉइंट से पास हो रहा है। अब बताओ दो प्लेन से तो इन्फाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं इंटरसेक्शन से, लेकिन अगर आपको एक पॉइंट दे देगा तो जो इंटरसेक्शन प्लेन होगा वो एक ही पॉइंट से पास होगा, नहीं होगा एक प्लेन होगा, नहीं होगा पर्टिकुलर प्लेन। तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए वहाँ पे कंडीशन दे रखी होगी, तो बताओ यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है कि वो प्लेन कहाँ से पास हो रहा है। वन 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 से पास हो रहा है, ठीक है ना, तो वो पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो आप ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि लेमडा की वैल्यू फिर कॉमा आ जाएगा, फाइंड करने के लिए कंडीशन दी हुई होगी वो क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, और वो कंडीशन क्या होगी, वो पॉइंट होगा जहाँ से वो पास करेगा, वरना तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, फैमिली ऑफ कर्व्स क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या आएगी वो। ठीक है, तो जो जो इसमें दे रखी है, अब एक बात और ध्यान रखना, आप एक बात और ध्यान रखना इसमें क्या, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से, तो ये जो दो इक्वेशन है इसमें कौन सी इक्वेशन आपको ज़्यादा प्रेफर करनी है, सेकेंड वाली a1x + b1y + c1z + में लेमडा और इज इक्वल टू जीरो। हम जो भी होगा RHS में उसको LHS में लाके RHS में जीरो कर देंगे हम, तो सेकेंड वाली जो इक्वेशन है वो ही हमेशा काम में लेनी है आपको। ठीक है, क्योंकि हम कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन में आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहली क्या है, देखो इसमें जो दोनों प्लेन की इक्वेशन वो लिख लेते हैं हम, तो इसमें हमें गिवन है आर वेक्टर डॉट आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप इज इक्वल टू 6। अब बताओ मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ठीक है, आई कैप जे कैप प्लस में के कैप इज इक्वल टू 6। इट इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। ये हम इसको P1 प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी प्लेन दे रखा है हमें कितना, आर वेक्टर डॉट टू आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप इज इक्वल टू माइनस का 5। इट इम्प्लाइज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, 2i कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप इज इक्वल टू माइनस का 5। तो इट इम्प्लाइज 2x प्लस में 3y प्लस में 4z प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ये P2 प्लेन। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज जीवन बाय पी वन प्लस में लेमडा पी टू इजक्वल टू जीरो। और यहाँ तक समझ में आ रहा क्या आपको? तो ये इक्वेशन होती है। अब पी वन और पी टू की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो इट इम्प्लाइज पी वन कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स प्लस में लेमडा टू एक्स प्लस में थ्री वाई प्लस में फोर जेड प्लस में फाइव इक्वल टू जीरो। बट इट पासेस थ्रू पॉइंट वन कोमा वन। अब बताओ कोई भी लाइन या कोई प्लेन अगर किसी पॉइंट से पास हो रही है तो उस प्लेन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम प्लेन या लाइन में रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? ये इक्वेशन नंबर वन मान लेना आप, ठीक है ना। सो वन प्लस वन प्लस वन माइनस में सिक्स प्लस में लैम्डा टू इंटू वन प्लस में थ्री इंटू वन प्लस में फोर इंटू वन प्लस में फाइव इक्वल टू जीरो। थ्री माइनस सिक्स आ जाएगा तो प्लस में लैम्डा टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अभी क्या जाएगा देखो, इट इम्प्लाइज माइनस का थ्री प्लस का लेमडा प्लस का फोर्टीन लेमडा प्लस का फोर्टीन लेमडा इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री बाई फोर्टीन। और इस लेमडा की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम इक्वेशन नंबर वन में? पुट इन इक्वेशन वन वी गेट, तो क्या हो जाएगा देखो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस में सिक्स प्लस में थ्री बाई लेमडा थ्री बाई फोर्टीन टू एक्स प्लस में थ्री वाई प्लस में फोर जेड प्लस में फाइव इज़ इक्वल टू जीरो। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, फोर्टीन आएगा। ये हो जाएगा फोर्टीन एक्स प्लस में फोर्टीन वाई प्लस में फोर्टीन जेड माइनस में फोर्टीन सिक्स एटी फोर प्लस में सिक्स एक्स प्लस में थ्री थ्री जै नाइन वाई प्लस में फोर थ्री जै ट्वेल्व जेड प्लस में फिफ्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फोर्टीन और ये सिक्स ट्वेंटी एक्स प्लस में फोर्टीन और नाइन ट्वेंटी थ्री वाई प्लस में 14 और 12 ट्वेंटी सिक्स जेड और 84 में से 15 जाएगा तो माइनस का 69 इज इक्वल टू ज़ीरो। 14 ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या पूछिए बताओ, तो इससे वेक्टर इक्वेशन बना सकते हैं क्या बताओ हम? इससे सबसे पहले क्या करें देखो, टू ट्वेंटी एक्स प्लस में ट्वेंटी थ्री वाई प्लस में ट्वेंटी सिक्स जेड इजक्वल टू सिक्सटी नाइन, ठीक है ना। अब वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो उसको, तो एक्स वाई जेड बताओ आर वेक्टर होता नहीं होता है? और ये क्या हो जाएगा, एन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ट्वेंटी थ्री जे कैप प्लस में ट्वेंटी सिक्स के कैप इजक्वल टू सिक्सटी नाइन which is required vector equation। तो बताओ एग्जाम्पल नंबर 20 सुन में आया क्या आपको?
अब एग्जांपल नंबर 21 लिखो, वो भी सॉल्व करते हैं।